हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यूज के बारे में जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है उसमें एमसीक्यूज जो आपने आंसर्स लिखे होंगे उस आंसर्स को आप इस वीडियो के बेसिस पे चेक कर सकते हैं हम ट्रूअल फॉल्स को और सिमिलरली एम को इसमें डिटेल डिस्कशन कर लेंगे सो so दैट आपको भी एग्जैक्टली exactly पता चले कि सारे एम में से आपके कितने एम सही है और उसके क्या आंसर्स है तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर वन जो पूछा था दैट वाज अबाउट ट्रू और फॉल्स स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स आपको दस सॉल्व करने थे ट्वेल्व यहाँ पे दिए हैं तो हम लोग पूरे के पूरे ट्वेल्व जो है वो सारे डिस्कस कर लेंगे एक एक करके सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट था द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फॉर कंपनीज एक्सक्लूड्स द कैश फ्लो स्टेटमेंट तो जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक्सक्लूड करते हैं बिल्कुल भी सही नहीं है पहला जो ट्रूअल फॉल्स है उसका आंसर है फॉल्स तो फॉल्स आंसर होगा आपके फर्स्ट ट्रूअल फॉल्स का सेकेंड जो है ए एस इलेवन रिक्वायर्स द डिस्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज तो एस वन जो है इसमें सारे रूल्स जो है वो हमको डिस्क्लोज करने हैं ए एस अकाउंटिंग वन ये कहता है कि डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए आपके फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में तो बिल्कुल सही है इसका आंसर ट्रू है देन नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम डू नॉट नीड टू बी एडजस्टेड इन द फाइनल अकाउंट्स प्रिपेरेशन तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम जो है उसका एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स में ज़रूरी नहीं है तो बिल्कुल भी सही नहीं है रॉन्ग है तो इसका आंसर बन जाएगा फॉल्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड एंड एडजस्टमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ़ फाइनल अकाउंट बिल्कुल सही है डेप्रिसिएशन का इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में हम करते हैं तो इसका आंसर बन जाएगा ट्रू नेक्स्ट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन रेफर्स टू द सेम प्रोसेस रॉन्ग है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब आप इंटरनली कंपनीज में एडजस्टमेंट्स करते हैं शेयर्स को रिड्यूस वगैरह करते हैं जो चैप्टर आपने पढ़ा है कैपिटल रिडक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ही होता है तो ये बिल्कुल सही नहीं है इसका आंसर आपका बन जाएगा फॉल्स नेक्स्ट है द बायबैक ऑफ शेयर्स कैन ओनली बी कंडक्टेड अंडर स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल सही है बाय के लिए बायबैक के कुछ कंडीशन है बायबैक के कुछ रूल्स है उनको हमको फॉलो करना पड़ता है तो इसका आंसर बन जाएगा ट्रू नेक्स्ट है एथिकल बिहेवियर इन अकाउंटिंग डज नॉट हैव एनी इम्प्लीकेशंस फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस तो एथिकल बिहेवियर इन अकाउंटिंग डज नॉट हैव एनी इम्प्लीकेशंस इट शुड हैव इंप्लीकेशंस तो इसका आंसर आपका बन जाएगा फॉल्स नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल बेस अप्रोच टू अकाउंटिंग एम्फोसाइज दी इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल वैल्यूज़ तो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच जो है अकाउंटिंग का उसका मेजर एम्फोसिस किस पे होता है एथिकल वैल्यूज़ पर बिल्कुल सही तो इसका आंसर आपका बन जाएगा ट्रू नेक्स्ट इज विसल ब्लोइंग प्लेस अ डिमिनिशिंग रोल इन प्रमोटिंग एथिक्स विद इन ऑर्गेनाइजेशंस तो विसल ब्लोइंग जो है ये एक डिमिनिशिंग रोल प्ले करता है नहीं वो तो उल्टा अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो इसका आंसर आपका बन जाएगा फॉल्स बैड डेट्स शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स तो फाइनल अकाउंट्स में हम बैड डेट्स को कंसिडर करते हैं हाँ करते हैं एडजस्टमेंट्स अगर आते हैं तो हम उसको डेटर्स के साथ भी एडजस्ट करते हैं तो इसका राइट right आंसर बन जाएगा ट्रू इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अंडर ए एस थर्टीन ओनली अप्लाइज टू फिक्स इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ए एस थर्टीन में हम इन्वेस्टमेंट्स डिबेंचर्स पे भी कैलकुलेट होता है बॉन्ड्स पे भी कैलकुलेटर होता है एज वेल एज इक्विटी शेयर्स भी हम लोग उसमें कंसिडर करते हैं दैट इज वाई इसका भी आंसर बन जाएगा फॉल्स नेक्स्ट इज ट्वेल्थ नंबर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एथिकल कंसिडरेशन्स ऑब्वियसली सही है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो प्रोसेस होती है वो एथिकल कंसिडरेशंस उसमें आ, की वजह से वो इन्फ्लुएंस होता है येस बिल्कुल सही है तो इसका आंसर आपका बन जाएगा ट्रू तो एक चीज़ अगर आपने देखी होगी तो एग्जामिनर ने बहुत अच्छी तरीके से ट्रूएल्व फॉल्स लिखा है फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ऐसे सिक्वेंस में आया है अगर हम दूसरे तरीके से ढूंढे तो देखो जो ऑड नंबर्स है वन थ्री फाइव सेवन नाइन और इलेवन ये वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन फॉल्स आया था और जो इवन नंबर्स है इवन नंबर्स को मैं दूसरे कलर से मार्किंग करता हूं ताकि आपको पता चले और जो आपका इवन नंबर है टू फोर सिक्स एट टेन एंड ट्वेल्व ये सारे ट्रू आए थे मतलब इन्होंने क्या किया है सिक्वेंस फॉलो किया फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू का और इन्होंने अगर हम प्रॉपर देखें तो इवन नंबर्स को ट्रू रखा है ऑड नंबर्स को इन्होंने फॉल्स का आंसर दिया है सो so, ऑड नंबर्स को फॉल्स है इवन नंबर को ट्रू है दिस वॉज दी एम अब दिस वॉज द ट्रू ऑल फॉल्स अभी हम एम को डिस्कस करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइनल अकाउंट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट या शेयर होल्डर्स इक्विटी देखो इनकम स्टेटमेंट भी फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है बैलेंस शीट भी फाइनल अकाउंट का पार्ट है शेयर होल्डर्स इक्विटी भी फाइनल अकाउंट्स का ही पार्ट है बिकॉज वो बैलेंस शीट में ही आता है लेकिन एक कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है और इन्होंने एक्सक्लूडेड बोला था तो ये इसका राइट right आंसर है एम सी नंबर वन का राइट right आंसर आपका बनेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट सेकेंड जो है ए एस वन रिक्वायर्स द डिस्क्लोजर ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑडिट रिपोर्ट्स और रेवेन्यू फोरकास्ट देखो ए एस वन जो है वो मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहला ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और वो किसको रिलेट करता है अकाउंटिंग पॉलिसीज को तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वॉट विच एडजस्टमेंट इज नॉट इन टिपिकली मेड इन फाइनल अकाउंट्स तो इसमें से कौन सा एडजस्टमेंट्स फाइनल अकाउंट में नहीं होता है कितना सिंपल आया है क्लोजिंग स्टॉक फाइनल अकाउंट में होता है डेप्रिसिएशन फाइनल अकाउंट में होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी फाइनल अकाउंट में होता है कैपिटल गेन ये एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में नहीं होता है और उन्होंने नहीं होता है पूछा है तो राइट right आंसर ये बन जाएगा नंबर फोर्थ वॉट डिफरेंशिएट्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंशिएट करता है ऐसा इन्होंने पूछा है तो लीगल अप्रूवल नीडेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स इंपैक्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेस तो यह डिफरेंशिएट की बात कर रहा है तो डिफरेंशिएट एक ही चीज होता है शेयर होल्डर पर इंपैक्ट गिर जाता है दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर इंपैक्ट नंबर फिफ्थ बायबैक ऑफ शेयर क्वायर्स कंप्लायंस विथ नो रेस्ट्रिक्शंस स्पेसिफिक लीगल कंडीशंस ओनली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स अप्रूवल या शेयर होल्डर्स कंसेंस तो बेसिकली इसमें स्पेसिफिक लीगल कंडीशंस के बेसिस पे बाय बैक होता है आप सभी जानते हैं तो राइट right आंसर इसका बनेगा फिफ्थ का बी एंड दैट इज स्पेसिफिक लीगल कंडीशंस नेक्स्ट है सिक्स नंबर एथिकल बिहेवियर इन अकाउंटिंग इन्फ्लुएंसिस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओनली कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर्सनल रिलेशनशिप्स या सॉफ्टवेयर डिजाइन तो इसका राइट right आंसर आपका बनेगा एथिकल बिहेवियर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे इन्फ्लुएंस करता है विच अप्रोच एम्फोसाइजेस एथिकल वैल्यूज नंबर सेवेंथ है रूल बेस प्रिंसिपल बेस कंप्लायंस बेस या रिस्क बेस तो राइट right आंसर इसका बनेगा प्रिंसिपल बेस नेक्स्ट इज नंबर एट विसल ब्लोइंग हेल्प्स टू डिस्करेज ट्रांसपरेंसी आइडेंटिफाई अनोट साइलेंस प्रोटेक्ट मैनेजमेंट काफी सिंपल क्वेश्चन आया था एट नंबर का तो इसका राइट right आंसर बनेगा आइडेंटिफाइंग दी अनएथिकल बैड डेट्स आर इग्नोर्ड इन अकाउंट डिडक्टेड फ्रॉम इनकम एडेड टू अट्स रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू तो बैड डेट्स जो होता है डिडक्ट होता है इनकम में से जैसे कि आपको पता ही है बैड डेट्स असेट्स में से लेस होता है और दूसरा इफेक्ट हम पी एंड एल में देते हैं ए एस थर्टीन अपलाइज टू ओनली शेयर्स, ओनली डिबेंचर्स बोथ वेरिएबल एंड फिक्स इनकम सिक्योरिटीज एंड नो सिक्योरिटीज यही उसने ट्रुअल फॉल्स में भी पूछा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बोथ वेरिएबल एंड फिक्स वेरिएबल मतलब जिसमें रेट ऑफ डिविडेंड चेंज होते रहता है इक्विटी वगैरह और फिक्स इनकम सिक्योरिटीज मतलब डिबेंचर्स और बॉन्ड्स वो सारी चीजें इसमें कवर होगी तो वो उसमें ट्रुअल फॉल्स में भी आया था नेक्स्ट जो है इलेवन नंबर प्रपोज डिविडेंट्स मस्ट बी इग्नोर्ड Included as an expense recorded only if declared transferred to reserves. So is right answer. Banega. Proposed dividend expense hai, included as an expense. Last point: hai, a company can alter its share capital by number one issuing shares at par, number b reducing capital, number c changing shareholders' rights, and number D all of the above. So company अपने शेयर कैपिटल को इन सभी चीजों की वजह से कर सकते हैं मतलब सभी होप तो right so uh, कि आपके काफी से राइट right हुए होंगे और इसी तरीके के आपको कॉस्टिंग का और टैक्सेशन का भी एमसीक्यूज का वीडियो जल्दी मिल जाएगा मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर